नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स कीड़ा। सो हमारा जो पेपर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं विच इज़ ऑफ मैकेनिक्स, उसके अंदर हमने हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट के अंदर दिस इज़ आर लेक्चर टू फॉर दैट। एंड द सेकेंड यूनिट विच वी हैव स्टार्टेड इज़ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड द टॉपिक इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सवाल आता है क्या ज़रूरत है इस संसार जगत के अंदर इस चीज़ की। देखो क्या चीज़ है हमारे पास में, हम ऑलरेडी हम इतना समझ चुके हैं अभी तक कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आएगा। ये वाली चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को क्वांटिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है, कि मुझे पता चल जाए एक नंबर के थ्रू दैट ओके इतना फोर्स मैंने अप्लाई किया है उससे इतना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, यूजिंग अ क्वांटिटी, यूजिंग अ रेशियो टू बी मोर अप्रोप्रिएट इफ़ आई कैन से, ठीक है। सो ये जो चीज़ है हमारे पास में, ये जो मैं क्वांटिफिकेशन का काम करना चाहती हूँ, ये मैं करूँगी यूजिंग इलास्टिसिटी, ठीक है। आपको टर्म समझ में आ गई है कि कैसे मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो अब हमारे पास में इलास्टिसिटी क्या होती है, भाई देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज जो है ना वो दो तरह से तीन तरह से होता है, लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, तुम्हारी वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन की बात करी थी विच वॉज़ माई थीटा। सो बेसिकली तीन तरीके का चेंज है अगर मेरे पास में, तो ये जो इलास्टिसिटी है इसके लिए भी मुझे तीन नई क्वान्टिटीज़ उठानी पड़ेगी, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ यंग मॉडुलस। ओके, अब देखो यंग मॉडुलस जो है ना इसे तुम रिप्रेजेंट करती हो तुम्हारे वाई से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हाउ विल यू डिफाइन इट, सबसे पहले हम उसके ऊपर आते हैं। सो आई विल से दैट जो तुम्हारा यंग मॉडुलस है ये हमारे पास में एक रेशियो होता है, किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ओके, सो अगर मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई किया है तो लेंथ में मेरे कितना चेंज आ रहा है। ओके, गेटिंग द पॉइंट कि मैं किस तरह से इसे यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, सी वॉट एवर योर काइंड ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस हमारे पास में एक ही है, दैट इज़ माई फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास में क्या होता है, चेंज इन लेंथ से ओरिजिनल लेंथ का रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट y मेरे पास में क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय a रेसिप्रोकल l डिवाइडेड बाय डेल l, ये वाली चीज़ आएगी हमारे पास में। सो फ्रॉम हियर यू हैव द फॉर्मूला फॉर योर यंग मॉडुलस, इससे तुम खुद डिफाइन कर सकते हो। इतना मुझे वेट अ सेकेंड, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो जब ये वाली चीज़ हो चुकी है, हमने बात करी है इन द कॉन्टेक्स्ट इफ़ द लेंथ इज़ चेंजिंग। ओके, सो अगर लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है तो हम वॉल्यूम की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, राइट। आ जाएंगे हम उसके ऊपर, दैट इज़ माय बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, सवाल हमारे पास में ये आएगा। सो सी इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज अ रेशियो। अब रेशियो किसका होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ओके, अब देखो जो हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, वो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैं कैसे लिखूंगी, डेल वी बाय वी एंड आई यूज़ अ नेगेटिव साइन। अब देखो हमारे पास में नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्वेश्चन आता है दैट वाई द नेगेटिव साइन। वेरी सिंपल, हमने क्या किया है, यू हैव अप्लाइड स्ट्रेस
और स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, इस नेगेटिव साइन को यूज़ किया है, सो एज टू मेक श्योर, सो एज टू शो कि जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो आपकी वॉल्यूम जो है प्रेशर की वजह से डिक्रीज होती है, क्वाइट वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, के क्या हो जाएगा, माइनस FA वी डिवाइडेड बाय डेल वी। एंड आई होप वी ऑल वुड बी वेरी ओके एंड कम्फर्टेबल विद दिस। चलिए आगे चलते हैं, कमिंग एट द थर्ड विच इज़ माई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसके लिए हम ईटा यूज़ करने वाले हैं। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मेरे पास में क्या होता है, हम कहते हैं दैट इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द रेशियो, किसका, एक ही चीज़ बच रही है, शियरिंग स्ट्रेस से शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो। ओके, ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो शियरिंग स्ट्रेस क्या है, वे नो एफ बाई ए, शियरिंग स्ट्रेन क्या है, हम लोग लिख के आए थे ना, देखो वहाँ पे मैंने तुम्हें पहले लिखवाया था दैट इट वाज योर डेल एल बाय एल समझाने के लिए, तुम उसे डेल आर बाय आर भी लिख सकते हो, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग यहाँ पे, ताकि हम कन्फ्यूजन अवॉइड कर सकें, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इसको यूज़ कर रखा है ना डेल एल बाय एल को, अगर मैंने ये चीज़ वापस से लिख दी तो इट विल लीड टू अ कन्फ्यूजन विच आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। चलो आगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे डेल आर बाय आर लिख देते हैं, सो सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से, एफ बाय ए और यहाँ पे आ जाएगा आर बाय डेल आर, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा ईटा मिल चुका है। अब देखो एक और चीज़ है, समथिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, और हम ऑलरेडी जानते भी हैं। सपोज़ करो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा एक, हमने लिया है समथिंग ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अगर तुमने क्या किया है इसके ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पे तुमने फोर्स अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम कहेंगे कि साइडवेज तो ये स्क्वीज़ हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास में, क्योंकि ये हमारे पास में साइडवेज स्क्वीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेंथ हमारे पास में इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो ये दो चीज़ें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि साइडवेज ये स्क्वीज़ हो रहा है, लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस चीज़ को हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और क्वांटिफाई हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, ये वाला काम हम करने वाले हैं यूजिंग पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, सिग्मा, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, आप सिग्मा को डिफाइन किस तरह से करोगे, सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है हमारे पास में उसका रेशियो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कंपैरेटिवली। अब ये क्या चीज़ें आ चुकी हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रेशियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ड्राइंग अ डायग्राम, जो पहले मैंने बनाया समझाने के लिए वो मत बना देना, अभी इज्जतदार डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। चलो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, एंड लेट दिस बी माई ए बी सी डी, दैट्स हाउ द अल्फाबेट गोज। हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास में जो ओरिजिनल लेंथ है वो मैंने ले ली है, यहाँ पे एल है, ठीक है। जो ओरिजिनल यहाँ पे साइज है वो मैंने कहा है कि वो आपका डी है, ठीक है। अब देखो जैसे ही तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो उसकी वजह से इसमें चेंजेस आएंगे, राइट। और चेंजेस कुछ इस तरह से मैं कह सकती हूँ, समवॉट लाइक दिस, आपने साइडवेज अप्लाई किया है, आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है कुछ इस तरह से, एंड साइडवेज इट्स डिक्रीजिंग, राइट। अब चलो
ये अगर मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है, दिस होल थिंग वॉज माई डी, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माई डी माइनस डेल्टा डी आई कैन से, ठीक है। अगर दिस इज़ माई डी माइनस डेल्टा डी, तो लेंथ में मेरे इंक्रीज कितना हुए हैं, डेल्टा एल, ये हमारे पास में इंक्रीज हुआ है लेंथ के अंदर, ओके। अब देखो वेरी क्विकली हम सिग्मा को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन मैंने कहा है ना, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, डिवाइडेड बाय जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, ओके। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है आप उसे कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, कि कितना चेंज आया है और क्या आपका ओरिजिनल साइज था उसका रेशियो, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि लेंथ में कितना चेंज आया है और इसका रेशियो ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसके साथ में, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं क्या इम्प्लाई कर सकती हूँ, सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा डी बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, एंड आई विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन हमने लगाया है, ये क्यों लगाया है, क्योंकि आपके पास में आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और आपका साइज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय एक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स कह दो आप, स्ट्रेस कह सकते हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज़ हो रही है और साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, एंड दिस थिंग इज़ एक्चुअली ऑपोजिट, ठीक है, और इस वजह से हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन को यहाँ पे यूज़ किया है। चलो अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दो, नेगेटिव क्या आ जाएगा, डेल्टा डी बाय डी और यहाँ पे एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, एंड दैट इज़ माय पॉइज़न्स रेशियो, ठीक है। चलो इफ़ दिस इज़ क्लियर, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is my compressibility. I'll use a C for this. अब देखो compressibility हमारे पास में क्या होता है, it's very simple, it's the reciprocal of bulk modulus, ठीक है। So even if you want to define it, आप ऐसे ही लिखने वाले हो that reciprocal of bulk modulus is known as compressibility. Okay, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। Now, अब हम एक काम करते हैं, I'll give you the question and आप उसका जो भी आपके solution आता है, you will mention that in the comment box below and let's see who gets it right. चलो question है, a weight of 5 kg is suspended from a lower end of a steel wire of length 2 meter and mass 3 gram. It increases the length of wire by 2.5 millimeter. Determine the Young modulus of a steel wire where density of steel wire is 7.8 cross 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूब, ओके। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा घुमाया हुआ है नहीं क्वेश्चन, सो इसका सोल्यूशन जो है यू विल कमेंट बिलो, ओके।
चलो, आई होप दिस वुड बी क्लियर. हम लोगों ने आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, छोटा सा लेक्चर है, 15 मिनट का भी नहीं हुआ है, सो या इट वॉज अ स्मॉल लेक्चर, एंड आज हम लोग इतना ही रखते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर न्यू टॉपिक, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेंडिंग मोमेंट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट वेरी लेक्चर, टेक दैट वेरी लेक्चर. एंड चलो देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.